आज हम क्लास 11th के पहले चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि ये फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर है क्लास 11th का। और इसके अंदर हम लोग सीखेंगे साइंस के बारे में कि साइंस क्या होती है। अब 10th क्लास के बाद क्या होता है कि हमें ये सोचना पड़ता है कि हमें आर्ट्स में जाना है या साइंस में जाना है, किस तरह की स्ट्रीम्स को चुनना है जिससे कि हम आगे का फ्यूचर अपना सेट कर सके। हमारा जिसमें मनोरुचि होती है उसी के अंदर हम लोग खुद को ढालना चाहते हैं। अब हमारे पास दो स्ट्रीम होती हैं, आर्ट्स और साइंस। आर्ट्स वो लोग लेते हैं जिनको किसी कला के अंदर रुचि होती है, और साइंस वो लोग लेते हैं जिनको जानने की इच्छा होती है, क्यूरियोसिटी होती है कि हाँ हमारे आसपास की जो भी दुनिया है उसमें क्या चल रहा है। तो उसी से रिलेटेड एक चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड मतलब हमारे आसपास की दुनिया। वैसे दो वर्ड होते हैं, एक होता है इंटरनल वर्ल्ड और एक होता है एक्सटर्नल वर्ल्ड। इंटरनल वर्ल्ड में हम लोग ये देखते हैं कि उसमें हमारा स्वभाव आता है, हम दूसरों से किस तरह से व्यवहार करते हैं, या हमारे अंदर क्या इंटेलिजेंस है, हमारी क्या नॉलेज है, और हम हमारी क्या प्रकृति रहती है लोगों के प्रति, इस चीज को देखते हैं। और दूसरा जो वर्ड है वो एक्सटर्नल वर्ल्ड है। तो एक्सटर्नल वर्ल्ड को हम लोग सेंस कर सकते हैं, किस तरह से सेंस कर सकते हैं, तो हमारे अंदर 5 सेंसर्स होते हैं, 5 सेंसर्स होते हैं जिन्हें 5 रिसेप्टर्स भी बोला जाता है। सबसे पहला रिसेप्टर होता है टेम्परेचर को सेंस करने का, हॉटनेस और कोल्डनेस को सेंस करने का, जो हम अपनी स्किन के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करके सेंस कर सकते हैं। दूसरा सेंसर होता है सुनने का। हम लोग अपने आसपास की दुनिया के अंदर जो भी चल रहा है उसके अंदर जो भी वाइब्रेशंस चल रहे हैं उन वाइब्रेशंस को हम लोग सुन सकते हैं। तीसरे तरह का रिसेप्टर होता है टेस्ट का, कि हम लोग अलग अलग तरह के मटेरियल को टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि उसका क्या टेस्ट है, सोर है, बिटर है, ओके। और नेक्स्ट जो हमारा सेंसर है वो है आईज। आईज के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइट को देख सकते हैं, अलग अलग तरह के कलर्स को देख सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि कहां पर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, कहां पर लाइट की इंटेंसिटी कम है। तो ये भी एक रिसेप्टर है। और लास्ट जो रिसेप्टर वो है हमारा सूंघने का रिसेप्टर। हम आसपास की जो भी स्मेल्स हैं उनको क्या, उनके ऑडियोर को क्या, स्मेल एंड ऑडियोर को क्या कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं। तो ये 5 तरह के हमारे अंदर सेंसर्स होते हैं, और इन सब सेंसर्स के थ्रू हम लोग अपने आसपास की दुनिया को सेंस कर सकते हैं। और जिस दुनिया को हम लोग सेंस कर रहे हैं उसी दुनिया को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल वर्ल्ड। दिस इज फिजिकल वर्ल्ड, जिसको हमारे सेंसर्स के थ्रू हम लोग सेंस कर सकते हैं और अपनी जानकारी के थ्रू अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर सबसे पहली चीज आएगी साइंस। साइंस जो कि आप देख रहे हैं ये एक लैटिन वर्ड से बना है जिसको साइंटिया कहा जाता है इंग्लिश के अंदर, और लैटिन लैंग्वेज, लैटिन भाषा के अंदर इसको सिनिशिया कहा जाता है, जिसका मतलब होता है टू नो। टू नो मतलब जानना, अपने आसपास के अंदर जो भी घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में स्टडी करना, उनको जानना, दिस इज कॉल्ड एज साइंस। दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ साइंस। और संस्कृत में हम इसके अंदर एक वर्ड यूज करते हैं विज्ञान, जिसका भी सेम मीनिंग है नॉलेज। तो साइंस का मतलब है जानना, नॉलेज लेना। और इसके लिए हम लोग एक डेफिनेशन भी देते हैं, टेक्निकल डेफिनेशन, विच इज रिटन एज हियर। साइंस इज ए सिस्टमेटिक नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस aimed at understanding natural phenomena in as much as detail as possible. Science एक systematic knowledge है। आप systematic की जगह एक और word use कर सकते हैं, organized knowledge। तो science एक organized knowledge है, सब कुछ organized तरीके से, एक तरीके से चलेगा knowledge लेना। ऐसा नहीं है कि हाँ हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि ऐसा होता है तो हम उस चीज को मान लेते हैं। ऐसा पहले होता था, लगभग 2000 साल पहले एरिस्टोटल ने ये बताया था कि जो अर्थ है वो सेंटर में है, सन उसके चारों तरफ घूम रहे है, तो लोगों ने उसको माना। हम उनको साइंटिस्ट नहीं बोलते, हम उनको फिलोसफर बोलते, और ये उनकी फिलोसफी होती थी कि वो कुछ भी कह देते थे और लोग उसको मानना शुरू कर देते थे। लेकिन उसका, उसको प्रूफ नहीं किया जाता था उस समय पर। ऐसा कोई भी मेथड हम ये यूज नहीं करते थे, जैसे कि मैंने यहां लिखा हुआ है साइंटिफिक मेथड। उस समय पर साइंटिफिक मेथड नहीं होते थे, जो बड़े बुजुर्ग पुरखे बोल देते थे लोग उसको मान लेते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है। साइंस को समझने के लिए आपको एक सिस्टमेटिक नॉलेज लेनी पड़ेगी, एक ऑर्गेनाइज तरीके से नॉलेज लेनी पड़ेगी, और वो किसके थ्रू लेंगे, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू। अपने आसपास की घटनाओं को देखा जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा। नेक्स्ट फिर एक्सपीरियंस किया जाएगा कि उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, और हम अंडरस्टैंड करेंगे किसको, नेचुरल फिनोमेना को। अपने आसपास की प्राकृतिक घटनाओं को स्टडी करेंगे, जितनी डिटेल में चाहें उतनी डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। दैट इज नोन एज साइंस।
तो हम एक सिंपल डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, साइंस इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। जैसे कि हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम को सीखते हैं, 1, 2, 3, 4 इन डिजिट्स को सीखा जाता है। उसके बाद हम सीखते हैं ऑपरेशंस को, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सबको सीखते हैं। इन सबको सीखने के बाद आपको फॉर्मूला सिखाए जाते हैं, फॉर्मूलाज के बाद कैलकुलेशन सिखाई जाती है, परसेंटेज निकालना सिखाया जाता है। तो सब कुछ एक तरीके से चलता है, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। अब इस ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज को लेने का क्या मेथड होता है? साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड इट्स ए सिस्टमेटिक अप्रोच टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमेना विद द हेल्प ऑफ सेवरल इंटरकनेक्टेड स्टेप्स। साइंटिफिक मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं और नेचुरल फिनोमेना, प्राकृतिक घटनाओं को अंडरस्टैंड करते हैं, और जिसके अंदर काफी सारे स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी भी घटना के बारे में सिस्टमेटिक तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड वे में नॉलेज को गेन करते हैं और अपनी थ्योरी को लिखते हैं ताकि लोग उसको समझ सकें, और दूसरों को एक्सप्लेन करते हैं कि हमने हमारे एक्सपेरिमेंट में क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखी, आसपास की जो भी घटनाएं चल रही उनमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन आपने देखी। जैसे कि रात के समय नाइट स्काई में आपको बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते हैं, सनराइज होता है, सनसेट होता है, नदियों के अंदर पानी का बहना, उसके अलावा इंद्रधनुष के 7 रंग दिखाई देते हैं आपको, और बारिश का होना, ये सब क्या है, प्राकृतिक घटनाएं हैं। और इन प्राकृतिक घटनाओं को जानने के लिए और उनको समझने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, साइंटिफिक मेथड का। तो आइए इसके स्टेप्स को पढ़ते हैं कि ये क्या स्टेप्स होते हैं साइंटिफिक मेथड के। तो ये है साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स। पहला स्टेप है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि पानी नदियों के अंदर बहता है तो हम देखते हैं कि वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। हम देख रहे हैं कि वो नॉर्थ से साउथ जा रहा है और साउथ से नॉर्थ की तरफ भी जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट जा रहा है और वेस्ट से ईस्ट भी जा रहा है, लेकिन सब चीजों में एक चीज कॉमन है कि वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बह रहा है। जिस तरफ स्लोप है, जिस तरफ एलिवेशन है, उस तरफ वो बह रहा है। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है पानी का बहना। इसी तरह से बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हैं, जैसे कि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने पर वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है, रेस्ट से मोशन में आ जाता है या मोशन से रेस्ट में आ जाता है, या हम उसकी स्पीड को चेंज कर देते हैं फोर्स को ज्यादा अप्लाई करके, या फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करके हम उसकी स्पीड को रिड्यूस कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, दैट इज नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो ये सब भी ऑब्जर्वेशंस हैं कि फोर्स लगाने पर ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट से मोशन में आते हैं या मोशन से रेस्ट में आते हैं या उनकी स्पीड में चेंजेस आते हैं। इसके अलावा और ऑब्जर्वेशंस हैं, जैसे कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं, तो वो डाउनवर्ड अर्थ की तरफ गिरता है, दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो वो हमेशा नीचे की तरफ, अर्थ की तरफ, पृथ्वी की तरफ गिरता है। तो हम किसी भी एक ऑब्जर्वेशन को लेकर के चलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आ जाता है, हम इस ऑब्जर्वेशन को लेकर के चलते हैं। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है कि मैंने एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया और फोर्स लगाने पर वो रेस्ट से मोशन में आ गया। अब मोशन में तो आया, अब उसकी स्पीड में कितना चेंज आएगा, कितना फोर्स लगाने पर कितना चेंज आ रहा है, तो उसको जानने के लिए हमें आगे के स्टेप्स को देखना पड़ेगा। तो पहली ऑब्जर्वेशन हमारी ये थी, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। हम लोग लेबोरेटरी के अंदर सेम एक्सपेरिमेंट को करके देखेंगे, जो हमने नेचर के अंदर देखा कि फोर्स लगाने पर ऑब्जेक्ट मोशन में आते हैं, वही एक्सपेरिमेंट हम लोग लैब में करके देखेंगे कि हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो वो मोशन में आ जाएगा, या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में था तो हम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो वो रेस्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करेंगे, और कभी टेम्परेचर ज्यादा करके देखेंगे, हाई टेम्परेचर पर फोर्स लगाते हैं तो क्या इफेक्ट आता है, लो टेम्परेचर पर फोर्स लगाते हैं तो क्या इफेक्ट आता है। इसी तरह से प्रेशर को चेंज करके देखेंगे फोर्स के इफेक्ट में क्या चेंजेस आते हैं। तो ये हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, और एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद हम लोग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीजनिंग करेंगे। क्वालिटेटिव रीजनिंग का मतलब है कि हम एक क्वालिटी रीजन देंगे, हम एक अच्छा सा रीजन देंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमने उसका रीजन दिया कि ऑब्जेक्ट जब भी मूव करते हैं, रेस्ट से मोशन में आते हैं, तो उसका कारण होता है फोर्स, तो ये एक रीजन है। और या मोशन से रेस्ट में आएगा तो उसका भी कारण क्या होगा, फोर्स होगा। तो फोर्स अप्लाई करने पर ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आएंगे, मोशन से रेस्ट में आएंगे, या उनकी स्पीड में चेंजेस होंगे, ये एक क्वालिटी रीजन है। इसके बाद हम बताएंगे क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वांटिटेटिव रीजनिंग का मतलब है कि हम उसकी क्वांटिटी को डिस्क्राइब करेंगे कि कितना फोर्स लगाने पर ऑब्जेक्ट के मोशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कितने चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है। जैसे कि हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो उसकी वेलोसिटी 0 से बढ़कर के 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है,
किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने पर, और अगर हम फोर्स को डबल कर देते हैं 200 न्यूटन कर देते हैं तो उसकी वेलोसिटी में भी कुछ और चेंजेस आ जाते हैं। तो इस तरह से हम बताएंगे कि कितना फोर्स लगाने पर मोशन में कितने चेंजेस आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में, ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन में कितने चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीजनिंग करने के बाद, एक लॉजिक बताने के बाद कि ऐसा क्यों हो रहा है, मोशन में चेंजेस क्यों आ रहे हैं, वो अपनी स्टेट को क्यों चेंज कर रहा है, तो वो रीजनिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, इसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं। हम उसको डिस्क्राइब करेंगे मैथमेटिक्स के अंदर, एक फॉर्मूला बना देंगे, जैसा कि न्यूटन ने एक फॉर्मूला बनाया मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए। उन्होंने सेकंड लॉ ऑफ मोशन दिया था, जिसमें उन्होंने मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का यूज करके फोर्स का एक फॉर्मूला बनाया था, और वो फॉर्मूला था एफ इज इक्वल टू एम ए। अगर मास को आप बढ़ाएंगे तो फोर्स आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा, और यदि आप मास को कॉन्स्टेंट रखते हैं और एक्सेलरेशन को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, अगर आप एक्सीलरेशन ज्यादा चाहते हैं तो। तो इस तरह से न्यूटन ने ये सारे ऑब्जर्वेशन, फिर एक्सपेरिमेंट, फिर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीजनिंग देने के बाद उन्होंने सारी कैलकुलेशंस करके एक फॉर्मूला बना दिया, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि कितने मास का ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगाया जाए कि उसकी वेलोसिटी में पर सेकेंड कितना चेंज आए, तो ये सब कैलकुलेशन इस फॉर्मूला से हो सकती है। और ये फॉर्मूला हमारे काम भी आते हैं जनरल लाइफ के अंदर, जैसे कि किसी कंपनी ने एक व्हीकल डिजाइन किया, एक कार को डिजाइन किया, उसको डिजाइन करने के बाद उसके इंजन के अंदर कितनी एनर्जी वो प्रोड्यूस करता है, इसको उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी जितनी वो प्रोड्यूस करेगा उसी से ही वो क्या अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, और उसी फोर्स के कारण वो जितने भी मास की कार है उसको, उसके अंदर क्या क्रिएट होगा, एक्सीलरेशन क्रिएट होगा। तो ये सीधा सा एक रिलेशन है जो हम जनरल लाइफ के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। तो ये इसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग होगी कि हमने इससे एक फॉर्मूला बना दिया। फॉर्मूला बनाने के बाद हम लोग करेंगे प्रेडिक्शन, इस फॉर्मूला के थ्रू प्रेडिक्शन करेंगे। जैसे कि मैंने एक प्रेडिक्शन ये की कि मुझे 1 किलोग्राम के मास को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर का एक्सीलरेशन इसके अंदर मेरे को क्रिएट करना है, कि पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी में 1 मीटर पर सेकेंड का चेंज आए, मुझे ये क्रिएट करना है। तो ऐसा करने के लिए मैंने एक प्रेडिक्शन की कि मास 1 किलोग्राम है और एक्सीलरेशन भी 1 है, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, फोर्स की वैल्यू आएगी 1 न्यूटन। तो ये मेरी प्रेडिक्शन थी फॉर्मूला के थ्रू कि 1 न्यूटन का फोर्स लगाने पर 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर के एक्सीलरेशन से मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये प्रेडिक्शन दिया। अब हम इसको दोबारा से क्या करके देखेंगे, हम इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके बताएंगे। फिर हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट लिया, उस पर फोर्स लगाया 1 न्यूटन का, जैसे ही 1 न्यूटन का फोर्स लगाया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन क्रिएट हो गया। तो ये जो सारी थ्योरी थी, ये जो प्रेडिक्शन था फॉर्मूला के थ्रू, मतलब कि ये प्रेडिक्शन सही था। अगर ये प्रेडिक्शन सही था तो इस थ्योरी का क्या हो जाएगा, इस थ्योरी का हो जाएगा वेरिफिकेशन। और अगर प्रेडिक्शन हमने जो किया था 1 न्यूटन और रिजल्ट इसके कुछ और आते, विपरीत आते, तो इस थ्योरी का क्या हो जाता, फॉल्सिफिकेशन। तो हमारे ये 3-4 जो स्टेप्स हैं इनको फिर से रिपीट करना पड़ता, फिर हमें दोबारा से एक्सपेरिमेंट करने पड़ते, फिर उसके लिए कोई और रीजन सोचना पड़ता कि ऐसा क्यों हो रहा है। रीजन सोचने के बाद क्वांटिटीज के बारे में फिर एक नया फॉर्मूला बनाते, फिर ये सारे स्टेप्स को रिपीट करते, अगर ये थ्योरी फॉल्सिफाई हो जाती तो। लेकिन अगर ये थ्योरी वेरीफाई हो रही है तो इसका मतलब ये सब कुछ हमने जो भी किया, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, रीजनिंग जो दी, उसका फॉर्मूला जो बनाया, प्रेडिक्शन जो किया, ये सब बिल्कुल सही था। तो ये है साइंटिफिक मेथड। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल बता सकता हूं। जैसे कि हम लोग ये देखते हैं कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, जिसको हम लोग सोलर एक्लिप्स बोलते हैं। सूर्य के बीच में मून और इधर अर्थ होती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में मून आ जाता है, इसको सोलर एक्लिप्स बोला जाता है। और सोलर एक्लिप्स के अंदर हम लोग, अभी हमारे पास ऐसे फॉर्मूलाज हैं जिसके थ्रू हम लोग ये बता सकते हैं कि आज से कितने साल बाद सोलर एक्लिप्स होगा। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है कि हम देखते हैं कि सूर्य ग्रहण होता है, सोलर एक्लिप्स होता है। तो ऑब्जर्वेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाएगा, अब सूर्य और पृथ्वी को लैब में तो लेकर के नहीं आ सकते हैं, लेकिन हम उसका मॉडल बना सकते हैं। उसी तरह का हम एक प्लेनेटरी मॉडल बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग सन को लगाएंगे, अर्थ को लगाएंगे और अर्थ के चारों तरफ मून को लगाएंगे, और उसी रेशियो में उनकी वेलोसिटीज को सेट करके उस मॉडल को चलाया जाएगा। और मॉडल को चलाने के बाद हम एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराएंगे, बार बार दोहराने के बाद हम उसका एक रीजन देंगे। रीजन ये देंगे कि सभी ऑब्जेक्ट मोशन में है, सभी ऑब्जेक्ट मोशन में है, किसी की स्पीड फास्ट है, किसी की स्पीड कम है, लेकिन कभी ना कभी एक ऐसी कंडीशन बनती है
कि सन मून और अर्थ तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। तो ये हमारा इसका रीजन था। उसके बाद हम इसकी क्वांटिटेटिव रीजनिंग करेंगे। क्वांटिटेटिव रीजनिंग करने के बाद हम उसमें ये बताएंगे कि हाँ कितने टाइम के बाद ऐसा होता है, बार बार इसको ऑब्जर्व किया जाएगा। ऑब्जर्व करने के बाद हम ये सब करने के बाद एक फॉर्मूला बना देंगे, मैथमेटिकल मॉडलिंग करेंगे, एक टाइम का फॉर्मूला बना देंगे कि हमें सभी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्पीड का वेलोसिटी पता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से चल रहा है और कितने टाइम के बाद ये कंडीशन आ सकती है। तो इस तरह से हमने मैथमेटिकल मॉडलिंग करके एक टाइम का फॉर्मूला बना दिया। अब टाइम का फॉर्मूला बनाने के बाद हम उस फॉर्मूला से क्या करेंगे, प्रिडिक्शन करेंगे। तो मैंने एक कैलकुलेशन की उस फॉर्मूला के थ्रू कि टाइम के फॉर्मूला में सारी वैल्यूज रख दी, सभी प्लैनेट्स की वेलोसिटीज को रख दिया, उनके मोशन की स्पीड को रख दिया, उसके अलावा वो किस किस टाइप के मोशन कर रहे हैं उसको लिख दिया। तो वो सब करने के बाद मैंने एक प्रिडिक्शन किया कि आज से 3 साल और 4 महीने और 2 दिन बाद सोलर एक्लिप्स होगा। अब प्रिडिक्शन करने के बाद वो थ्योरी वेरीफाई कब होगी या फॉल्सिफाई कब होगी, वही इतने टाइम के बाद जितना प्रिडिक्शन किया, 3 साल 4 महीने 2 दिन, इस दिन अगर उसी दिन सोलर एक्लिप्स हो जाता है, अगर 3 साल 4 महीने और 2 दिन के बाद अगर सोलर एक्लिप्स हो जाता है तो ये थ्योरी क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। अगर नहीं होता तो वो थ्योरी क्या हो जाएगी, फॉल्सिफाई हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इन साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स का यूज करते हैं ताकि हम अपने जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको एक्सप्लेन कर सके और लोगों को उनको बता सके, दुनिया को समझा सके कि ये जो नेचुरल फिनोमेना है, प्राकृतिक घटनाएं हैं, वो किस प्रकार से होती हैं और उनके चलने का होने का पैटर्न क्या होता है, किस तरह से वो रिपीट होती हैं। सो दिस इज द साइंटिफिक मेथड। अब हम ये सीखेंगे कि साइंस इज एवर डायनेमिक, मतलब कि साइंस स्टैटिक नहीं है, रुकी हुई नहीं है, वो कभी भी रुकती नहीं है। जैसे कि न्यूटन ने अपनी एक थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने ये बताया था, एक फॉर्मूला को डिराइव किया था जिसमें उन्होंने साउंड की स्पीड के बारे में एक फॉर्मूला दिया था, लेकिन उस फॉर्मूला में थोड़ी सी करेक्शन थी जिसको लाप्लास ने सही किया और करेक्ट किया। तो हम ये नहीं बोल सकते कि साइंस के अंदर जो भी थ्योरी अभी दे दी गई है, चाहे वो साइंटिफिक मेथड को यूज करते हुए दी गई है, और वो थ्योरी कभी भी फाइनल थ्योरी नहीं होती। थ्योरीज के अंदर या हमारे जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको समझने के अंदर जो भी फॉर्मूलाज बनाए गए हैं उनके अंदर चेंजेस हो सकते हैं। तो कोई भी थ्योरी जो है वो फाइनल थ्योरी नहीं होती है साइंस के अंदर, वो कभी भी चेंज हो सकती है। हो सकता है कि हमने उस ऑब्जर्वेशन को किसी और पर्सपेक्टिव से देखा हो, लेकिन कोई दूसरा पर्सन, कोई नया पर्सन आया, उसने उस थ्योरी को फिर से समझा और हमारी थ्योरी को भी यूज किया और एक नई थ्योरी को दे दी, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। तो साइंस जो है वो हमेशा डायनामिक होती है, कभी भी रुकती नहीं है, हमेशा उसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं। अब जैसे एरिस्टोटल ने ये बताया था कि जो अर्थ है वो सेंटर में है और सन उसके चारों तरफ रिवोल्यूशन करता है, लेकिन ये थ्योरी गलत थी, लोगों ने इसको माना भी, क्योंकि हमें दिखता है कि एक तरफ से सनराइज होता है और दूसरी तरफ सनसेट हो जाता है। तो इसी तरह से लोगों ने इसको मानना शुरू किया, लेकिन बाद में एक पर्सन और आया, उन्होंने बोला कि ऐसा भी तो हो सकता है कि सन सेंटर में हो और अर्थ उसके चारों तरफ बोले। कैपलर ने ये बताया, प्लेनेटरी मोशन के बारे में उन्होंने कई तरह के एक्सप्लेनेशन दिए। उनसे पहले टाइको ब्राहे, निकोलस कॉपरनिक्स, इन्होंने भी काफी सारी थ्योरीज दी हैं। उसके बाद न्यूटन ने इसके बारे में लिखा और इन सब के रीजन भी बताए कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये सब ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है और एक दूसरे के चारों तरफ रिवोल्यूशन कर रहे हैं। तो इस तरह से कोई भी जो थ्योरी होती है वो स्टैटिक नहीं होती है साइंस में, वो डायनामिक होती है, मतलब कि उसके अंदर आगे से आगे चेंजेस आ सकते हैं, उस थ्योरी को इम्प्रूव किया जा सकता है। इसका और एक और एग्जांपल है, जैसे कि सबसे पहले एटम के मॉडल को जे जे थॉम्सन ने बनाया था, जिसमें उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल को दिया था, लेकिन वो मॉडल गलत था और उसको सही करने के लिए रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो उस एक्सपेरिमेंट के बाद रदरफोर्ड ने उसका थोड़ा और बेटर मॉडल बनाया, और अच्छा मॉडल बनाया एटम का। और ये मॉडल बनाने के बाद एक और उनके स्टूडेंट थे नील्स बोहर, उन्होंने उस मॉडल को और करेक्ट किया और सही किया, लेकिन वो जो मॉडल था उसमें उन्होंने हाइपोथेसिस दी थी। हाइपोथेसिस का मतलब है कि वो सिर्फ एक थ्योरी थी, उसका वो वेरिफिकेशन नहीं कर सकते थे, क्योंकि एटम इतना छोटा होता है कि हम उसको देख नहीं सकते थे। उस समय पर हमारे पास ऐसे पावरफुल माइक्रोस्कोप नहीं थे कि हम उस एटम को देख करके और उस थ्योरी को प्रूफ कर सके। तो वो सिर्फ एक हाइपोथेसिस थी, लेकिन उस हाइपोथेसिस को फिर प्रूफ करके बताया डी ब्रॉगली बोला जाता है जिनको, डी ब्रॉगली ने इसको प्रूफ करके बताया कि नील्स बोहर ने जो एटम का मॉडल बनाया था वो सही था। अब डी ब्रॉगली ने जो थ्योरी दी है उसके अंदर भी आगे चेंजेस हुए, और भी साइंटिस्ट आए जिन्होंने उसमें चेंजेस किए हैं। तो साइंस इज एवर डायनेमिक, देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन द साइंस। साइंस में कभी भी कोई भी फाइनल थ्योरी नहीं होती है, उसको कभी भी कोई भी साइंटिस्ट आकर के अलग तरह के
पर्सपेक्टिव से उन थ्योरीज को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग ये मानते हैं कि एटम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन इनसे मिलकर के बना होता है। अभी लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर का एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था, उस एक्सपेरिमेंट में ये सामने आया कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन तीनों एक ही पार्टिकल से मिलकर के बने हैं। वो पार्टिकल है गॉड पार्टिकल। वो गॉड पार्टिकल से ही प्रोटॉन बनता है, इलेक्ट्रॉन बनता है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रॉन बनता है। तो इस तरह से एटम्स बनते हैं। तो पूरा यूनिवर्स जो है वो सिर्फ एक ही पार्टिकल से मिलकर के बने, गॉड पार्टिकल से। तो अगर वो थ्योरी आ जाती है सामने, और वो जो पार्टिकल है वो लाइट की स्पीड से भी फास्ट स्पीड पर चलता है, और हमारी जो पूरी फिजिक्स के अंदर जो भी थ्योरीज है वो सारी थ्योरीज इसी बेस पर बनाई गई है कि लाइट की जो स्पीड है वो सबसे फास्ट होती है, इससे फास्ट और कुछ भी नहीं चल सकता। लेकिन अगर वो पार्टिकल की जो थ्योरी सामने आ रही है अगर वो प्रूफ हो जाती है, तो हमारा जो भी फ्रेमवर्क बना हुआ है फिजिक्स का, जो भी मॉडल बना हुआ है, वो सब दोबारा से बनाना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे उसमें बहुत सारे। तो इस तरह से एक और एग्जांपल देखिए इसका, जैसे कि 1928 के अंदर फोर्ड कंपनी ने एक कार बनाई थी जिसमें उन्होंने बोला था कि हमने इसके अंदर सबसे अच्छे फीचर्स लगा दिए और इससे बेटर कार, इससे फास्ट कार आज तक नहीं बन, इसके बाद नहीं बन सकती। तो अभी जो कार्स आ रही हैं वो तो उससे फार बेटर है, बहुत अच्छी हैं, उनके अंदर और बहुत सारे फीचर्स ऐड हुए हैं और उनकी स्पीड में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं, बहुत फास्ट हो गई हैं अभी की जो सुपर कार्स आ रही हैं। तो इस तरह से वो जो थ्योरी थी वो फाइनल थ्योरी नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने जो बोल दिया, मैंने जो ऑब्जर्वेशन करके एक्सपेरिमेंट करके जो रिजल्ट निकाल दिए हमेशा वैसा ही होगा, हमेशा वही थ्योरी पड़ी जाएगी, नहीं, उसमें चेंजेस हो सकते हैं बहुत सारे। तो अब हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच है, इसी तरह से साइंस की और भी ब्रांचेस हैं, जैसे कि बायोलॉजी जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी किया जाता है, उनके अंदर क्या क्या प्रोसेसेस चलती हैं, किस तरह से वो वर्क करते हैं, किस तरह से उनका नर्वस सिस्टम वर्क करता है, ऑर्गन्स वर्क करते हैं। और एक और ब्रांच है साइंस की केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स को, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम्स मिलकर के मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, मॉलिक्यूल से कंपाउंड बनते हैं, कंपाउंड से मटेरियल्स बनते हैं। तो इस तरह से उसमें केमिस्ट्री में ये सब स्टडी किया जाता है। इसी तरह से साइंस की जो ब्रांच है फिजिक्स, उसमें हम लोग नेचर को स्टडी करते हैं, नेचर मतलब की प्रकृति, हमारे आसपास की घटनाओं को स्टडी करते हैं, दैट इज फिजिक्स। और जो फिजिक्स वर्ड है वो फ्यूसिस वर्ड से मिलकर के बने, फ्यूसिस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है प्रकृति, नेचर। और ये सब हमारा पढ़ने का रीजन क्या है, तो देखिए जैसे कि मान लीजिए हमें जयपुर जाना है, घूमने के लिए जाना है, तो मुझे ये नहीं पता कि आप लोग किस तरह से जाते हैं, लेकिन मैं जब भी जाता हूं घूमने के लिए तो पहले मैं इंटरनेट पर सर्च करता हूं कि वहां पर क्या क्या प्लेसेस हैं, किस किस तरह की घूमने की जगह है, क्या वहां की स्पेशलिटी है। ये सब स्टडी करने के बाद फिर हमारे मन में क्यूरियोसिटी होती है कि हाँ अब चल करके देखते हैं कि वहां पर क्या क्या एक्सप्लोर करने के लिए है, क्या क्या अंडरस्टैंड करने के लिए है। तो वहां जाकर जब हम उन चीजों को देखते हैं तो उसको देखने में और मजा आता है, क्योंकि हम पहले से उसको रीड करके गए हैं, पहले से उसकी कहानियों के बारे में हमें पता है। तो इसी तरह से हम लोग फिजिक्स को स्टडी कर रहे हैं। तो फिजिक्स को स्टडी करने से पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि फिजिक्स के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 11th में, क्लास 12th में क्या क्या चीजें आएंगी हमारे सामने फिजिक्स के अंदर, किस किस तरह के फिनोमेना को हमें अंडरस्टैंड करना है। तो अगर मैं उसकी जानकारी आपको पहले ही दे दूंगा कि हमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो आपको पढ़ने में और मजा आएगा ये सब पढ़ने में। ओके, तो फिजिक्स के अंदर आपने ये सीख लिया कि फिजिक्स का जो बेसिक मीनिंग है वो है नेचर। तो नेचर और प्रकृति, जो प्राकृतिक घटनाओं, नेचुरल फिनोमेना के बारे में स्टडी करना, इसको फिजिक्स बोला जाता है। और फिजिक्स को स्टडी करने के लिए आपको जैसा कि बताया था साइंटिफिक मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो साइंटिफिक मेथड के थ्रू हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना को, नेचुरल फिनोमेना को स्टडी करते रहते हैं। और फिजिक्स में दो मेन थ्रस्ट होते हैं, टू मेन थ्रस्ट इन द फिजिक्स। थ्रस्ट मतलब कि फिजिक्स में दो बातों पर जोर दिया जाता है, वो दो बातें हैं, सबसे पहला है यूनिफिकेशन, सेकेंड इज रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन, यूनि मतलब वन, चीजों को अलग अलग थ्योरीज को यूनिफाई कर देना। हम ये करना चाहते हैं कि फिजिक्स के अंदर हम लोग अलग अलग फॉर्मूलाज ना बनाएं, अलग अलग फिनोमेनास को एक्सप्लेन करने के अलग अलग थ्योरीज ना दें, हम अलग अलग तरह की घटनाओं को सिर्फ कुछ ही लॉज के अंदर या कुछ ही कॉन्सेप्ट्स के अंदर हम उसको एक्सप्लेन कर दें। जैसे कि प्लैनेट्स का मोशन करना और ऑब्जेक्ट का नीचे की तरफ गिरना, जब भी हम इसको रिलीज करते हैं वो अर्थ के सेंटर की तरफ गिरती है। उसके अलावा सन के चारों तरफ अर्थ का घूमना, अर्थ के चारों तरफ मून का घूमना, डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स का मोशन, उसके अलावा एक गैलेक्सी के अंदर अलग अलग जो भी सन है, स्टार्स हैं, उनका मोशन। तो ये सब जो एक्सप्लेन किया जाता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है। तो हमने क्या किया, इन सब अलग अलग तरह के 10 तरह के फिनोमेना को एक्सप्लेन किया सिर्फ एक ही लॉ से, दैट इज ग्रेविटेशनल लॉ। और इसके अलावा
जैसे कि पानी नदियों के अंदर बहता है, झरने से पानी गिरता है, और हमने सिर्फ इसको एक ही चीज से एक्सप्लेन किया कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, जहां पर हाइट ज्यादा होगी, जहां पर हाइट कम होगी, स्लोप जिस तरफ होगा पानी उस तरफ फ्लो करेगा। तो हम अलग अलग तरह के 10 फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं सिर्फ एक ही लॉ से कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, ज्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ फ्लो करेगा वो। ओके, दिस इज यूनिफिकेशन। नेक्स्ट इज रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म, रिडक्शनिज्म का मतलब है कि हम चीजों को रिड्यूस करते हैं उनको समझने के लिए। जैसे कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जैसे कि हमारे पास एक पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में आपने पढ़ा होगा कि कोयले को जला करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। अब पूरे पावर प्लांट को एक साथ नहीं समझा जा सकता, हमें उसको छोटे छोटे स्टेप्स में बांटना पड़ेगा। जैसे कि हमें यह पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर गर्म करते हैं तो उसकी स्टेट में चेंज होता है, या तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है या उसकी स्टेट में चेंज होता है। जैसे कि वाटर को लेते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो है बॉइलिंग पॉइंट पर वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहला हमने इसको समझा कि वाटर को जब भी गर्म करते हैं वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने इसके लिए एक बॉयलर बनाया, बॉयलर के अंदर पानी को भरा और नीचे कोयला जला करके उस बॉयलर को गर्म करना शुरू किया। बॉयलर जैसे ही गर्म होता है उसके अंदर जो लिक्विड है, जो वाटर है, वो वेपर में कन्वर्ट होता है। अब वो गैस ऊपर उठती है, हम उसको एक पाइप के थ्रू बाहर लेकर के आते हैं और आगे जाकर के एक टर्बाइन लगा देते हैं, और जैसे ही वो स्टीम जाकर के टर्बाइन से टकराती है, टर्बाइन रोटेट करना शुरू कर देता है। टर्बाइन रोटेट करता है तो हमने उसके साथ में एक जनरेटर को जोड़ दिया, इलेक्ट्रिक जनरेटर को। इलेक्ट्रिक जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। उसको जैसे ही रोटेट किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से या फ्लक्स के चेंज होने से, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम था। हमने उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को कैसे समझा, सिंपलर पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट करके उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लिया। जैसे कि पहला पार्ट था कि कोयले को जलाने पर कोयला जो जलता है उसके अंदर केमिकल एनर्जी है, वो केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी से वाटर, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा। वेपर में कन्वर्ट होने के बाद वो हाई प्रेशर से जाएगा और टर्बाइन से कोलाइड करेगा। टर्बाइन से जैसे ही टकराएगा टर्बाइन रोटेट करेगा, तो वो हीट एनर्जी कन्वर्ट होगी मैकेनिकल एनर्जी में। अब वो जो मैकेनिकल एनर्जी है उससे टर्बाइन के घूमने के कारण उसके साथ में एक शाफ्ट लगी हुई है, शाफ्ट से जनरेटर घूमता है। अब वो मैकेनिकल एनर्जी आगे जाकर के इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन का मूव करना। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनर्जीज को हमने स्टडी किया, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको स्टडी किया, और एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम था उसको हमने इजीली एक्सप्लेन कर दिया। दैट इज रिडक्शनिज्म। इसका और एक एग्जांपल सुनिए। जैसे कि हमारे आसपास करोड़ों तरह के मटेरियल हैं, बहुत तरह के मटेरियल्स हैं, उन सब मटेरियल्स को स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। अगर हम एक एक की प्रॉपर्टीज को लिखने बैठ गए तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सिंपल पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स पार्ट को सिंपल करना पड़ेगा। तो हम ये देखेंगे कि वो मटेरियल कैसे बना। तो हमने देखा वो मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स से मिलकर के बनता है। एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, 92 टाइप्स के होते हैं। नेचुरल जो एलिमेंट्स हैं वो 92 टाइप्स के हैं। अब वो 92 टाइप्स के एलिमेंट को स्टडी करना है आपको। अगर आपने 92 टाइप के एलिमेंट को स्टडी कर लिया तो आप ये बता सकते हैं कि कौन सा मटेरियल कैसे बना होगा। अब आपको 92 टाइप के मटेरियल को स्टडी करने की जरूरत नहीं है। वो 92 टाइप के मटेरियल कैसे बने आप उसको स्टडी कीजिए। वो 92 टाइप के मटेरियल बनते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से। उन सब में किसका डिफरेंस है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के नंबर का डिफरेंस है। बने सब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से, लेकिन उनमें किसका डिफरेंस है, उनके नंबर का। हाइड्रोजन, उसमें एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। हीलियम, उसमें दो प्रोटॉन है और दो इलेक्ट्रॉन है और दो न्यूट्रॉन है। तो इन सब एलिमेंट्स में किसका डिफरेंस है, इनके नंबर का डिफरेंस है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के नंबर का। तो आपको एलिमेंट्स को स्टडी करना है तो किसको स्टडी करना पड़ेगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, बस तीन पार्टिकल को स्टडी करना है। इससे आप सारे एटम्स को समझ जाएंगे। अगर आप सारे एटम्स को समझ गए तो उनसे कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, आप उनको समझ जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग चीजों को रिड्यूस करते हैं कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझने के लिए हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, और इस तरह से हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में नॉलेज गेन करते हैं, स्टडी करते हैं। दैट इज रिडक्शनिज्म।